अरे वो इसके बच्चे होंगे ना, इसको ये समझा यार, तू समझा खुद। हाँ, इसको ये समझा कि फायदा क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, तो क्या हाल चाल यार, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बैंक, बैंक जाके पैसे निकलवाने। तो मैंने की है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पे की है जिसका आपको मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो पहले उसको पैसे देने और पैसे देकर फिर आपको मैं दिखा दूँ कि क्या हमने इन्वेस्टमेंट की है। ओके, ये जो पैसे हैं, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके अभी देने हैं। तो ये पहले मैं देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि किस बारे में इन्वेस्टमेंट है और क्या हमने किया है। चार बंदे को उठा लिया जिसके पास हमारी इन्वेस्टमेंट है और अभी उसको लेके जा रहे हैं। तो यार अभी हम एक गांव में आए हैं और इसका सीन अभी आपको बताते हैं कि कहाँ हमने इन्वेस्टमेंट की है, क्या इन्वेस्टमेंट की है। अदील मेरे साथ मौजूद है। ये वाली है, ये बकरी महंगी ली है, ज़्यादा एक महीने की लगी हुई है। कितने ये देख, ये पुराने वाली है जो। हाँ सही सही। और इसका वो कहाँ है बच्चा? वो ही बड़ा सा है, वो है। हाँ। अरे इतना बड़ा हो गया ये। और ये अभी ली है ना? हाँ ये अभी। तो यार ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने की है 11 में बेचने ऊपर भी जाएगी। सही है। ये भी छोटी है, इसको ये पट्टी हो करिए, इसका बच्चा नहीं है। मेरे ऊपर है महंगी, मैंने लिखवा के नहीं। अरे मेरे ख्याल से सही है, तो नहीं हो गए उसी टाइम दूसरे बंदे ने 13,000 वो बोल रहे 13,000 में मांग रहे, 13,000 में मेरे को दे दे, 13,000 मांग रहे। ये कितने साल इसको हुआ? देखूं जब अपने 1 साल हुआ इसको, 1 साल पहले लेके दी थी। तो यार अभी हम अपनी बन्नी की तरफ आए और आपको थोड़ा सा समझा भी देते हैं यहाँ पे कि क्या सीन हुआ है। आपको तो वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये देखो, इतनी बड़ी हो चुकी है हमारी गंदम, और अब भी इनको थोड़ा बहुत चिड़िया वगैरह का ना ख्याल रखना पड़ता है। कुछ दिन पहले ना सुबह सुबह मुझे ना पता चलता है कि भाई पापा ने ना बकरी ली है मेरे लिए, लेकिन लेके ना किसी को देनी थी। हमने पहले भी एक बकरी जो थी ना वो हम लेके ना किसी को दी हुई थी, तो उसका जो था ना एक बच्चा हुआ था। अब इनका हिसाब ये होता है कि अगर हमने बकरी लेके दी है किसी को और उसने साल बाद या जितने भी टाइम बाद बच्चा दिया है, तो अगर हम बच्चे को अभी उसको बेचें तो जो बच्चा है वो बच्चे के पैसे आधे आधे होंगे, बकरी के पैसे नहीं होंगे। मतलब बकरी जो है वो भले बच्चे के बाद जो है ना उसके पैसे इंक्रीज़ हो जाते हैं कुछ अमाउंट ना, तो वो हमें मिल जाएगी। मतलब जैसे हमने 10,000 की बकरी ली है, तो अगर उसने बच्चा दिया तो वो हो गई 15,000 रुपये की। तो 15,000 रुपये हमारे सेफ हैं, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जो हमारा बच्चा है वो अगर हम बेचें, वो मान लो 5,000 का जाता है, तो 2,500 होगा, 2,500 जो बंदा संभाल रहा है उसका होगा और 2,500 हमारा होगा। तो ये सीन है इसका कि मैंने अभी बकरी लेके दी है उस बंदे को जिसके पास हम ये करवाते हैं, जो रखवाते हैं बकरियाँ। तो अब उसने जो है ना वो संभालेगा, वो बोल रहा है कुछ टाइम बाद ना इसने बच्चा दे देना। तो जब बच्चा देगी तो जो बकरी है उसकी वैल्यू तो अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो बच्चा है वो तो हमारा मतलब उसका आधा आधा 50-50 होगा, 50% उसका 50% हमारा। तो ये है सीन है इसमें, और इसमें हमें कोई भी लॉस नहीं है, कहीं पे भी हमें लॉस नहीं होगा इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे, और क्या पता मैं आगे एक और भी ऐसी ही कोई चीज़ है, क्योंकि यार ये मुझे अच्छा लगा मैंने जब ये देखा ना कि भाई ये हमें कोई हमारे पैसे डूब नहीं रहे या कोई हम लॉस नहीं हो रहा हमें इस चीज़ में। मतलब अगर हम ना भी मतलब रखें तो साल बाद जाकर बेच दें, या ना भी बेचें भले रखी रहे, तो हमें मुनाफा ही एक किस्म से। और हम ज़रा चक्कर लगाने आए थे बन्नी की तरफ। तो यार अभी मुझे बाइक का ऑयल चेंज करवाना है, और इसके अलावा ये नट यहाँ से ना टूटा हुआ है, इसको भी निकलवाना है, और इसके ऊपर वो लगता है मिट्टी को रोकने वाला वो लगवाना है, और बस ये कुछ काम है। ये ऑयल जो है मैंने पीछे से ही ले लिया है, क्योंकि जो है ना ऑटोस वाले वो बहुत महंगा बेचते हैं, कोई 550
550 तक का बेचते हैं और मुझे यहाँ से 480 रुपये का मिले हैं। तो थोड़ा बिजनेस माइंड सेट है हमारा, थोड़ा मतलब जहाँ से बच रहा है बचाओ भाई। बहुत कम माइल निकला है इसमें से, लेट चेंज कर लेट चेंज करवाया इसकी ब्रेकें भी थोड़ी सी टाइट कर दी आगे और पीछे वाली, वो भी थोड़ी सी ढीली है। यार जो कुछ दिन पहले अपन ने चप्पल ली थी वो टूट चुकी है और अभी लगवाने हैं उसके बाद पंखा, तो चाइना है चले तो चांद तक वरना शाम तक। छापे डीसी छापे हो गया हूँ, केड़ी क्लास में पढ़न नहीं हैं, नहीं पढ़ता ही तीसरी में रिवर्ट 20 रुपया मुंजी तरफा। ठीक है यार, बाइक का ऑयल वगैरह सब कुछ काम करवाने के बाद थोड़ी सी बाइक में ना जान आई है, मतलब थोड़ी सी बाइक स्मूथ हुई है पहले से, बता रही है कि भाई काम तो नहीं करवाया, तो इसलिए इसकी ना मेंटेनेंस लाजमी है ना। तो यार घर में आ गया हूँ, चिप्स खा रहा हूँ और मज़े करते हैं, वैसे बैठा हूँ लाइट है नहीं। तो यार कल है जी पाकिस्तान का फाइनल वर्ल्ड कप और उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा यार, बहुत दुआएं कि यकीन करो नहीं जीता ना बहुत दुख होगा, आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन यार बहुत दुख होगा अगर हारा तो। तो बस यार यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया लाइक करना, ज़्यादा पसंद शेयर करना, अगर और ज़्यादा पसंद सब्सक्राइब करना, अगर और ज़्यादा पसंद आया तो दोस्तों को बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।